नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट के विरोध में सुदेड़ की महिलाएं लामबंद हो गई हैं। आए दिन बीमारियों की चपेट में आ रही सुदेड़ के लोगों की बढ़ती परेशानी देख महिलाओं ने सुदेड़ स्थित बागेश्वर महिला मंडल की प्रधान सुनीता ठाकुर के नेतृत्व में डीसी कांगड़ा को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने प्रशासन को चेताया कि एक माह के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 6 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा। नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट के विरोध में सुदेड़ की महिलाएं अब लामबंद होती नजर आ रही हैं। आए दिन बीमारियों की चपेट में आ रहे सुदेड़ के लोगों की बढ़ती परेशानी देखकर महिलाओं ने सुदेड़ स्थित बागेश्वरी महिला मंडल की प्रधान सुनीता ठाकुर के नेतृत्व में उपायुक्त कांगड़ा को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने प्रशासन को चेताया कि एक माह के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया तो 6 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि डंपिंग साइट के विरोध में वे काफी लंबे समय से आवाज उठा रही हैं, लेकिन आज तक जिला प्रशासन व नगर निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि डंपिंग साइट पर जमा गंदगी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई लोगों को चर्म रोग ने अपनी चपेट में ले लिया है और आए दिन लोग गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं। बागेश्वरी महिला मंडल की प्रधान सुनीता ठाकुर ने बताया कि नगर निगम की डंपिंग साइट है, वहां मरे हुए मवेशी कुत्तों को भी फेंका जा रहा है, लोगों को चर्म रोग लग रहे हैं। वहीं सुंदेड़ गांव की जमीनें भी खराब हो रही हैं। डंपिंग साइट की गंदगी की वजह से प्रदूषण भी फैल रहा है, जहां हवा जाती है वहां बीमारी के कीटाणु फैल रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि अगर एक माह में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 6 जनवरी को महिलाएं क्षेत्र में चक्का जाम करेंगी। सर हमारी मांग एक ही हमारी मांग है कि जो धर्मशाला HRTC वर्कशॉप के पास जो नगर निगम वाले कूड़ा कचरा गंदगी मरे हुए जानवर पशु कुत्ते जो भी वहाँ फेंके जा रहे हैं, हमारा एक ही मतलब मुद्दा है कि उसको वहाँ से जो बंद किया जाए। और हमारे मतलब जो गांव के लोगों की जो ज़मीनें खराब हो रही हैं, लोगों के जो शरीर है हाथ पांव जो स्किन प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम आ रही है, और जो वहाँ 15-15, 16-16 जो कुत्ते बैठे रहते हैं वहाँ, वो भी रात को वहाँ बैठते हैं और सुबह उठते हैं वहाँ गांव में चले जाते हैं, तो गंद भी उठा के खेतों में फेंकते हैं। और जो वहाँ बकरियाँ जो लोगों ने पाल रखी हैं, भेड़े हैं, गाय हैं, तो उनको वो खाते हैं काटते हैं, तो काफ़ी मतलब जो है लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये कूड़ा कचरा गंदगी मतलब मरे हुए पशु जानवर कुत्ते फेंकना बंद कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम 6 जनवरी 2020 सोमवार के दिन हम फिर मतलब ये नहीं कि गांव वाले, पूरे क्षेत्र की महिलाएं सड़कों में उतरेंगी और चक्का जाम करेंगे हम, और ये कूड़ा कचरा गंदगी जो हम वहाँ नहीं फेंकने देंगे। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि बागेश्वरी महिला मंडल की महिलाओं ने नगर निगम की डंपिंग साइट की वजह से हो रही परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाई है। इस बारे में नगर निगम को भी लोगों को हो रही असुविधा के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि डंपिंग साइट के लिए जगह चयन के प्रयास तेज किए जाएं। जिला प्रशासन डंपिंग साइट चिन्हित करने के लिए प्रयासरत है। एक महिला मंडल है बागेश्वरी सुदेड़ से, वहाँ से कुछ महिलाएं आई हुई थी और इनकी जो मुख्यतः डिमांड है MC के जो डंपिंग यार्ड है उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और उसके बारे में उन्होंने मेरे को बताया। और प्रशासन और कॉरपोरेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई दूसरी जगह चिन्हित करें जो शहर से दूर हो और हैबिटेशन से दूर हो, तो उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। इसमें MC को भी बोला जाएगा कि प्रयास थोड़ा सा तेज़ करें ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे इजात मिल सके। साइट देखी जा रही है, इनफैक्ट हमारी कोशिश है कि जो नगरोटा बगुआ कांगड़ा और कॉरपोरेशन जो यहाँ का धर्मशाला का है उसके लिए कोई एक जगह पे जगह स्थान चिन्हित किया जा सके जहाँ पे डंपिंग की जा सके या वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट लगाया जा सके, तो ये जगह हैबिटेशन से दूर होना चाहिए।